हैं आप लोग? तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेरी वेल। एंड गाइस आज की मॉर्निंग अभी दादी साहब के पैर दबा रहा हूँ, मैंने चमन पास खा लिया है और नाश्ता वास्ता भी हो चुका है। अभी ब्लॉग स्टार्ट किया लेट, क्या एक मिनट बाद में बात करते हैं आप। गाइस इनके पैर में दर्द हो रहा था इसलिए इनको ऐसी तकलीफ हो रही थी जो मैं पैर दबा रहा हूँ। तबीयत कैसी अब? ठीक है, ठीक ही रहनी चाहिए। धूप में नहीं बैठना अब, धूप में नहीं बैठना अब, धूप में मत बैठना। अब कहाँ बैठे? तो गाइस ये धूप में बैठे थे ना उसकी वजह से पसीना वगैरह आके और इनको मतलब बीपी प्रॉब्लम हो गया, वो कंडीशन हो गई पैरलाइज वाली, ये प्रॉब्लम थी कल। आज सॉल्व हो चुकी है, अभी कोई तह नहीं इनके पैर दबा रहा था मैं। सब बस बेटा, मम्मी कहाँ गए? बुआ के पास मैंने होंगे। ठीक है ना, मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ, रेडी होते हैं, कंप्यूटर के जाना है मेरे को। नहा करके हो चुका था रेडी और ये इधर कुछ रील्स वगैरह देख रहा था अभी, और अब खाते हैं खाना फिर निकलते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। निकलते हैं अपनी मंजिल की ओर, कंप्यूटर सेंटर। क्या बोला तूने? चटनी और दही। चलो मम्मी खाना लेके आएगी, खाने में बताई दिए क्या है क्या नहीं है। अभी निकलता हूँ कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर से आके फिर आप लोगों से मिल के फिर जो भी कोई काम है आज शो। मेरा कुछ है ना, मम्मी के पास फोन है कि दीपेंद्र को पेंटिंग के लिए भेजो। हाँ पूछ ले सु, अब आज दीपेंद्र तो गए हुए, आसी ना बता दीसु, वो 2 बजे आसी हो। नहीं वो तो सही है, लेकिन कोई कहीं का दादी जी की तबीयत भी थोड़ी खराब सी चल रही है, बार बीमार होगा, लकवा की शिकायत आ गई। अच्छा हाँ ठीक ठीक। किसका था? बायो वाली मैम का था, हीना की मैम थी बायो वाली मैम, जो उनका कॉल था प्रैक्टिकल की फाइल बनानी है बच्चों की, जो दीपेंद्र को दो भाई फ्री में है तो नहीं बनाएंगे तो। पापा बात कर लेंगे। तो गाइस खाना खा रहा था मैं, हाँ तो पापा बात कर लेंगे बोल रहा हूँ, खाना खाता हूँ अब निकलते हैं कंप्यूटर के लिए। One hour later. गाइस मैं आ चुका था कंप्यूटर सेंटर से, आते ही रेस्ट करने लग गया, कमर पेन होने लगी आज। कल मैंने साइकिल में गाइस चेन में ऑयलिंग कर दी थोड़ी सी, इतनी स्मूथ चल रही है ना साइकिल में, पता ही नहीं चल रहा, कोई भी नॉइज नहीं आ रही अभी, बिल्कुल स्मूथ चल रही है, ऐसा पता भी नहीं चल रहा साइकिल चल रही है अब। हाँ बस जो खड्डे वगैरह आते हैं तब ऐसे उछलती है, तब तो वो श्योर करेगी पूरी साइकिल उछलेगी तब, और बाकी सड़क पे ऐसे चलने में कोई भी नॉइज नहीं आ रही, बिल्कुल स्मूथ, कहीं पे चला लो आप, बस ऑफ रोडिंग करोगे तो उसके जो पार्ट्स है स्पेयर पार्ट्स वो हिलते हैं, हिलने के कारण से आवाज आने वाली, और बाकी कुछ भी नहीं है। 15 minutes later. Guys, एक बात बता दो, एक को एक मतलब कि जैसे आपने 10 किलोमीटर की राइड की है, जाने का बोल रहा हूँ आने का नहीं, वहां पे आप चले गए, वहां से वापस आने का मन नहीं करेगा आप। क्या बोला तूने? वो तो एक मजबूरी है मेरी, तो घर है इसलिए। A few moments later. अदरवाइज मन ही नहीं करेगा क्योंकि वहाँ से आप चल के वापस आ जाओ, सोचो कि नहीं यार यहीं पे रहेंगे अपन तो, बस मस्त इतना ही है। ठीक है अब की बार देखते हैं राइड कौन सी किधर की क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। एक दो तो राइड हो चुकी है, 2 राइड हुई है ना अभी तक, अब देखते हैं अब की बार वाली राइड की कौन सी होने वाली है, बहुत लंबी होने वाली है अब की बार वाली। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इससे ज्यादा किलोमीटर की करने वाला हूँ मैं, क्या पता, मैं सोच रहा हूँ उधर का ही कोई मतलब एक आगे तक जाके आऊँ,
कोई गांव से गांव में ऐसे जोड़ करके वापस इधर दूसरे रास्ते से कुछ समझ में निकलने का पहले पता करना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन की तरह हो गया मेरे साथ तो कैसे गए। और अपने जो कुछ प्रोडक्ट है वो आने वाले हैं ऑनलाइन शॉपिंग से, वो आने के बाद में ही करेंगे अब राइट। तो आज चलते हैं अभी मार्केट की तरफ, थोड़ा बहुत जाके आऊँगा वापस, चलते हैं। आप लोग खाना खा रहा हूँ, खाना आ रहा है बस, चटनी रोटी और राबड़ी। मेरे को अब गर्मियाँ आ गई गाइस, गर्मियों का मौसम है थोड़ा थोड़ा, तो मेरे को चटनी छाछ राबड़ी ऐसे ही खाने पसंद है, बिल्कुल भी सब्जी वगैरह तो और खीरा काकड़ी वगैरह ऐसे। चलो बाद में मिलते हैं। खाना वाना खा लिया था और अब मेरे को याद आया कि यार ब्लॉग की तो एडिटिंग ही नहीं की। सब बस बेटा ब्लॉग एडिट करना है, ब्लॉग एडिट करके फिर शाम को जाऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे, जल्दी से ब्लॉग एडिट करते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से। 2 hours later शाम के बस चुके हैं 5:30 और अभी दूध बन रहा है, मम्मी बना रहे दूध। ब्लॉग वगैरह टोटल एडिट हो गया, अब निकलते हैं बाहर, वहाँ पे जाके मैं हॉस्पिटल के सामने जाऊँगा, वहाँ पे अपलोड करूँगा, क्योंकि वहाँ पे स्पीड में चलता नहीं तो इसलिए वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे अपलोड करते हैं। पहले दूध पीता हूँ फिर निकलता हूँ मैं। मैं पहुँच चुका था मार्केट में, मार्केट में यहाँ पे ब्लॉग अपलोड करने के लिए खड़ा हूँ मैं, और ब्लॉग अपलोड होने के बाद में एक फ्लाई के लिए जाऊँगा मैं जिस पे, चलो चलते हैं अभी ब्लॉग अपलोड होने के बाद में। 1 hour later गाइस मैं आ चुका था घर और अपना ब्लॉग अपलोड हो चुका पहले वाला, तो गाइस मैं वहाँ पे अपलोड करके प्लाई का पूछ के आया, प्लाई मिल जाएगी आराम से, एक जगह पूछा एक जगह नहीं मिली, फिर अपने ये पे पास में मिल गई वीटी स्कूल रोड पे। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ दल्ला बल्ला जी दिया वगैरह करने के लिए वहाँ पे, ठीक है वहाँ पे जाके आता हूँ फिर मैं मिलता हूँ, फिर बताता हूँ किस चीज़ की पेंटिंग बनने वाली है किसकी नहीं। बालाजी के मंदिर में जाकर के आ चुका था दल्ला बालाजी के, और अभी तो रुको। तो गाइस दल्ला बालाजी के मंदिर में जाकर के आ चुका हूँ, ये दादी सा के लिए बनाई जा रही खिचड़ी, ये पता नहीं कौन सा, ये दाल है, दाल ही तो है, तो दाल की दाल, मूंग की दाल। अब दादी सा से पूछते हैं तबीयत कैसी है, तबीयत कैसी है आपकी, तबीयत कैसी है, तो ठीक है, ठीक है बढ़िया, अब कोई नहीं है ना, बीपी वगैरह नहीं है, बढ़िया अभी नहीं है, अभी नो टेंशन है मैं अभी, और ये भी कल रात को तो फिर मेरे को नींद भी नहीं आई अच्छे से, 2 बजे तक डिस्टर्ब रहा मैं, फिर बाद में जाके नींद आई सुबह 6 बजे, फिर 8 बजे उठा था मैं, और आज का ब्लॉग लेट। तो गाइस मैं आपको आज अपनी पहले की पेंटिंग्स दिखाऊंगा जो मतलब कि हंसाने लाइक पेंटिंग्स है, ठीक है बाद में दिखाता हूँ भी। मैंने कुछ की थी अपनी रील्स शूट जो सेटअप कर रखा था इधर, और गाइस आज मैंने मिरर में रील्स शूट नहीं किया, आज मैंने वैसे किया पीछे वॉल का बैकग्राउंड। और गाइस अभी रील्स शूट कर ली और खाना वाना खा लिया है मैंने, और गाइस मैं आप लोगों को बोल रहा था क्या बनाने वाला हूँ, क्या बनाने वाला हूँ तो देखते हैं, आपको कल पता चलेगा तो ठीक है, नहीं तो बता ही देंगे, फिर भी आप लोग कमेंट करके देख सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ, शिव विष्णु कृष्णा और माता जी कोई से भी देख लो आप, इनमें से मतलब 5-4 बता रहे हैं ना जो भी ये बताए, इनमें से आप बता देना मैं कौन सी बनाने वाला हूँ, कमेंट करके मतलब देखता हूँ सही, मैं व्रत किसका करता हूँ बस मैं उसी की बनाने वाला हूँ। असल में आगे और बढ़िया बढ़िया पेंटिंग बनाने वाला हूँ, मैंने बनाई भी थी शिव की और भी, पर अब की बार कौन सी बनने वाली है, शिव देखो शिव की भी हो सकती है ऐसी नहीं, पर मैं आपको फॉर एग्जांपल ऐसे बताना चाह रहा हूँ कि मैं व्रत करता हूँ, उस हिसाब से देख लेना, कमेंट कर लेना और मेरी पीछे वाले ब्लॉग में जाके देख लेना मैंने किसका व्रत किया था, तो उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है आगे दिखाता हूँ, अभी थोड़ी देर बाद मैं पेंटिंग्स दिखाता हूँ, मैं एक दो रील्स और शूट करनी है, वो मम्मी का फ़ोन चाहिए मेरे को साथ में, ठीक है बाद में मिलता हूँ अभी। अरे तो कुछ रील और उधर बुआ आ चुका हूँ, बुआ सा अभी देखते हैं विस्की का एडिक्शन देखते हैं, वो साथ में आइए लग रहा है मेरे को,
मैं इधर अंदर शूट कर रहा था वीडियोस वगैरह, ठीक है चल के देखता हूँ उधर। लाइट ऑन करते हैं अपने यहाँ पे, हो गई लाइट ऑन। चलो अब चल के देखते हैं। मैंने जैकेट पहन रखा है डैनी। एक दो रील्स और शूट कर रहा था खाना खाने के बाद में। ये देखो ये छोड़ दो। तो इधर लेके आ चुका हूँ, देखो दौड़े जा रही है अपने रिएक्शन दिखा दी। इधर दिखा दे गाइस को, रिएक्शन दिखा दे गाइस को, रिएक्शन दिखा दे। हाँ दिखा दे। इसको गुस्सा आ गया। पकड़ लिया मैंने तेरे को। इसकी गाइस को रिएक्शन दिखा दे, तेरे रिएक्शन दिखा दे। लो गाइस आपको रिएक्शन दिखा रही है बिस्की। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आपको वाह बेटा, लगता है तुम गु खा के ही मानोगे। कुछ ऐसे रिएक्शन दो। कोई नहीं, उसकी के भी रिएक्शन शूट कर ले। अब मैं आपको दिखाने जाऊंगा, 11:30 हो रहे हैं टाइम। वो ऐसा आ गए थे दादी सा से मिलने, बैठ करके बातें मेरा कर रहे, ठीक उनको करने देते। मैं आपको पेंटिंग्स दिखा के और चलो दिखाता हूँ। अभी इनको रखते हैं साइड में, फिर दिखाते हैं। कोई नहीं है गाइस, मैं इसको इधर लेके आ गया। उधर दादी सा ने बोला इसको उधर लेके जा। तो चलो छोटे बचपन वाली पेंटिंग दिखाऊंगा, बड़े होने के बाद में जो भी थोड़ी मतलब कि इंक्रीज हो गई उसमें बढ़ता गया लेवल, वो वाली तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि ऐसा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है जल्दी से ये दिखा देता हूँ आप लोगों को। और भूखे जा रही वक्त मैं इन पेंटिंग को वो सेट कर रहा था, आराम से दिखा दूँगा। रुक मैं बताऊं तेरे को, मेरे जूते क्यों कर रही है। मजा आया अब अभी भूख गई। क्या रिएक्शन दे रही है, जाने दो तेरे को। गजब बेइज्जती है। अब चुप। आप देखते जाना, थोड़े स्पीड में करके दिखाऊंगा, देखते जाओ कैसी है क्या नहीं है जो भी है। सारी पेंटिंग्स हो चुकी है ये सबसे लास्ट वाली, और अब मैं आपको एक सबसे अलग हट करके दिखाता हूँ जो मैंने अभी थोड़े से दिन पहले, आई थिंक मैंने अप्रैल या मई के अंदर ये कंपटीशन हेल्ड मतलब कि पार्टिसिपेट किया था इसमें। ये दैनिक भास्कर की तरफ से था ये
कंपटीशन दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, फिर बोलता भी जाऊँगा और दिखा। पेंटिंग कुछ ये है, मदर्स डे कब आता है मेरे को याद नहीं आ रहा, अभी 14th में कब आता है, जब मैंने ये मदर्स डे पे बनाई थी ये एक महीने पहले, मेरे काकू सा ने बताया था मुझे कि ये इधर पहले तो बचपन में माँ अपने बेटे को गोद में रखती है, बुढ़ापे में बेटा अपनी माँ को गोद में लेकर घूमता है, इसमें पहले दिया गया है ना बिफोर एंड आफ्टर, ये मेरे यहाँ पे सिग्नेचर है गाइस। 30/4/2022 में बनी है। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। मिलते हैं ऐसे ही अनदर ब्लॉग एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।